नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। वीकेंड इंटरव्यू सीरीज चल रही है हमारी काफी समय से, और आज मेरे साथ एक नहीं बल्कि दो कलाकार हैं। आप दोनों अलग अलग घराने से हैं, दोनों कथक में अपनी मजबूत पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं परिचय कराऊं। इससे अच्छा, चूंकि एक दूसरे की कला को ये दोनों सबसे बेहतर समझते हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि अमित और शुभी आप एक दूसरे का परिचय कराएं हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। नमस्कार, और सबसे पहले तो धन्यवाद आपका शिवेंद्र जी, आपने हमें आमंत्रित किया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जर्नी तो पूरी है, लेकिन हमें अपनी अपनी जर्नी का ज्यादा ट्रैक लेकर चलते हैं। आपने बिल्कुल ऑपोजिट किया उसका कि आप एक दूसरे का ट्रैक बताइए। तो यही है कि हम दोनों ने साथ में ही सीखना शुरू किया था, मतलब कथक केंद्र के अंदर। तो शुभी जयकिशन महाराज जी की स्टूडेंट है, उनसे सीखा है, और हमेशा से कंपटीशन रहा है हमारा कि सेम इयर्स में थे तो कौन फर्स्ट आएगा या कौन बढ़िया डांस करने वाला है, स्टेज परफॉर्मेंस पे क्या होने वाला है। तो ये उस समय हम ज्यादा ध्यान देते थे एक दूसरे पे शायद कि ये एग्जैक्टली क्या कर रही है या ये कैसे कर रही है। और तो लखनऊ घराने की स्टूडेंट है, और काफी मैं जब से जानता हूँ आई थिंक बचपन से ही कथक केंद्र में सीख रही है, और आई थिंक अपनी मम्मी के साथ आती थी जब छोटी थी, और उसके बाद से तो फिर पोस्ट डिप्लोमा हमने साथ में ही पास आउट किया। और बाकी की जर्नी तो शुभी खुद भी बताएगी, कुछ इसके लिए भी छोड़े बिल्कुल बिल्कुल शुभी आप अमित के बारे में बताइए। जब से मैं अमित जी को जानती हूँ, जैसे उन्होंने बताया कि हम लोग बेसिकली बैचमेट्स थे, मोर देन बैचमेट्स कंपेटिटर्स थे कथक केंद्र में ऑनर्स कोर्स और पोस्ट डिप्लोमा में। और जो मुझे इनके बारे में पता चला उस टाइम पे कि ये आते ही उस फैमिली से हैं जहाँ पे डांसर्स और म्यूजिशियंस की जो श्रेणी रही है वो हमेशा से ही रही है, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर, सो दैट वाज लिटिल इंटिमिडेटिंग तभी से। एंड और ये इस जनरेशन में इस प्रथा को आगे लेके चल रहे हैं कथक के थ्रू। और इनके गुरु, इनके सबसे पहले गुरु इनफैक्ट इनके फादर रहे हैं, जिनको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और बहुत उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज उनको मैंने इतने बड़े और इतने अच्छे रोल्स में देखा है भारतीय कला केंद्र में, और स्पेशली द रावण दैट वी नो ऑफ भारतीय कला केंद्र। तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है उनसे, और उन्होंने इनको सबसे पहले उनकी नींव रखी कथक की, और उसके बाद जब ये कथक केंद्र में आए हैं तो पंडित राजेंद्र गंगानी जी से इन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली, और हमने फिर साथ में पास आउट किया कथक केंद्र से। सो अलुमनाइज ऑफ कथक केंद्र, एंड हियर वी आर। लेकिन ये तो मतलब इतने इंटरव्यू कर रहा हूँ इतने साल से, इस तरह की शुरुआत इंटरव्यू की मजेदार कम होती है। ये बताइए कि कॉम्पिटिटर्स, जब कला के क्षेत्र में कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो भी एक ही मतलब कथक में ही कॉम्पिटिटर्स हैं, बगल वाले कमरे में जयकिशन महाराज जी की क्लास चल रही है, इधर राजेंद्र गंगानी जी की क्लास चल रही है, तो वो कॉम्पिटिशन होता कैसा है? मतलब क्या क्या कैसे झगड़ा करते हैं, कैसे लड़ाई करते हैं, क्या मुकाबला होता है, क्या करते हैं, दिमाग में क्या चल रहा होता है, कैसे हराना है? हराने वाला नहीं है, कैसे जीतना है। तो कहानी थोड़ी सी इस तरीके से चलती है, जीतना कैसे, मतलब अपने आप को किस तरीके से पक्का करना है, ये कथक केंद्र की शिक्षा में आता है। कथक केंद्र के अंदर जब हम जाते हैं तो एंट्री होते ही सबसे पहले आपको घुसते ही समझ में आ जाएगा कि अब यहाँ पे अगर आप आ गए हो तो आपको क्या करना है। आपको घुंघरू की आवाज सुनाई देगी, आपको बच्चे रियाज करते हुए दिखाई देंगे, गुरु सिखाते हुए नजर आएंगे, और जो बातें हैं वो भी कला की ही होती नजर आएंगी। तो इस वातावरण के अंदर आप अपने आप ही जो शागिर्द है, जो शिष्य है, वो अपने आप को पूरा सौंप देता है कथक केंद्र में जाकर, क्योंकि उसे पता है कि यहां से अब कुछ बन के ही निकलना है। तो बन के निकलना है तो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी है तो जो साथ का जितना भी हमारा क्राउड है, हमें पता है वो भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, कि भाई मुझे पता है कि शुभ भी मेहनत कर रही है। हमारे बैच के अंदर और भी बहुत सारे डांसर्स थे, दीपक था, देवदत्त था, तो ये जितने भी हमारे साथ के डांसर्स थे तो ये सभी मेहनत करते थे।
तो हमारे लिए भी एक वो थी कि हमें भी इतनी मेहनत करनी है कि कैसे आगे निकला जाए। तो जर्नी हमारी ये थी, ये नहीं थी कि इसको हरा के कैसे मैं इसे पीछे करके फिर आगे निकलू। हाँ, हेल्दी कॉम्पिटिशन। लेकिन शुभी, इस हेल्दी कॉम्पिटिशन में भी कभी जासूसी वासूसी कराई क्या कि जरा देख के आओ ये अमित कौन सी नई सही कौन से टुकड़े सीख रहा है, कौन से टुकड़े सीख रहा है, कोई नई चीज सीख लिया, कुछ परम सीख लिया, तो ये जासूसी कराते थे क्या? बिल्कुल कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक्चुअली गुरुजी की जो क्लास थी, इनके गुरुजी की जो क्लास थी वो ग्राउंड फ्लोर पे थी और हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, तो हम लोग खिड़की में से ही झांक के देखते थे कि आज 6 बजे क्लास केंद्र बंद होने के बाद कौन नीचे पत्थर पे रियाज कर रहा है, किसके घूम की आवाज आ रही है, कितनी फास्ट स्पीड में वो फुटवर्क कर रहा है, कितने चक्कर ले रहा है पत्थर पे, वो ले रहा है तो अंदर इनसिक्योरिटी कि अब हमें भी करना है। और बहुत दिस एक्चुअली आई थिंक जितना इंस्पिरेशन हम लोग एक दूसरे से ड्राइव करते हैं ड्यूरिंग स्टूडेंटशिप वो काफी अमेजिंग होता है। और तो जासूसी तो ऐसी हो जाती थी, अच्छा उसकी परफॉर्मेंस की तैयारी चल रही है, क्या कौन सा बंदिश क्या होगा, बाहर से किसी तरह सुनने मिल जाए, अच्छा वो प्रेपरेशन जब होती है और म्यूजिशियंस जो हमारे संगत कलाकार हैं वो जब इधर से उधर जाते हैं तो बताते हैं उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तो और अंदर से ये कि अब डबल रियाज कल से, तो आई थिंक दैट वाज आई थिंक ये हमारे उसमें काफी वो रहा। और बल्कि काफी हेल्दी कंपटीशन, ऐसा कभी नहीं था कि स्टेज पे आने के बाद कोई किसी को डीमोटिवेट करे या डिग्रेड करे, कभी ऐसा नहीं था। लाइक वी वर वेरी लकी, वी वर ऑलमोस्ट 10-15 पीपल इन आर बैच और सभी लोग एक दूसरे के लिए बहुत इंस्पिरेशन लाते थे कि अच्छा ये कर रहा है वो ये कर रहा है, सो आई थिंक आई वॉज वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट बैच। जासूसी से एक और भी चीज है, ये हमें जासूसी एक्चुअली करने का मौका हमें हमारे गुरु भी दे देते कई बार। वो कैसे देते थे कि अगर जैसे गुरुजी के यहाँ पे कोई कोरियोग्राफी चल रही है तो भाई मुझे बड़ा पसंद करते हैं चीकू गुरुजी, उनको मतलब एक अलग ही अटैचमेंट है मेरे साथ में। तो मैं जब बिल्कुल सीखना शुरू किया था मैंने 1-2 साल बाद ही, जिस समय इंटरव्यू भी दिया था तब भी चीकू गुरुजी ने मुझे बोला था कि कहाँ जाएगा, तो मैंने कहा था कि क्योंकि आई वॉज टोटली क्लियर कि मुझे जाना था, तो मैंने कहा गुरुजी के पास क्यों मैं लूंगा तुझे। तो मैंने कहा कि अब मैं एकदम नया नया, मैंने कहा अब यहाँ पे क्या होगा, अरे मैं अब कहाँ जाने वाला हूँ, किस दिशा में मुड़ने वाली है गाड़ी, तो नहीं नहीं तुझे मैं कहीं जाने नहीं दूंगा, तू तो मेरे पास ही आएगा। लेकिन बाई चांस फिर वो सिर्फ एक मजाक था शायद, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिल से कही हुई बात थी। तो जब भी कोरियोग्राफी होती थी तो वो मुझे जरूर बुलाते थे। अच्छा। तो उनकी कोरियोग्राफी में मैं इतना नाचा हूं तो इन लोगों का नाच तो मैं जाके ही देख लेता हूँ। तो मुझे पता चल जाता था कि ये कर क्या रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और अभी कितना आगे है या कितना पीछे है, ये सारी कहानी है ना मेरे को वो कोरियोग्राफी में ही नजर आ जाती थी। वो खुद ही बताते थे कि देख बेटे अभी तू यहाँ है, अभी यहाँ आना है, या बेटा तू बहुत आगे है, तू रेस्ट कर सकता है। तो ये सारे काम मुझे वो अपने आप ही दे देते थे। मैं राजगिरी के सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूंगा कि जो अभी अमित ने नाम इस्तेमाल किया चीकू गुरुजी, तो वो दरअसल पंडित जयकिशन महाराज को लोग बहुत प्यार से भी कह सकते हैं, सम्मान से भी कह सकते हैं। उनको कथक केंद्र में अगर आप जाएंगे वहां पर हो सकता है उनको जयकिशन महाराज के नाम से कोई हो सकता है एक आध बार कम पहचाने, लेकिन चीकू बोल देंगे तो सब पहचानते हैं। कुछ सवाल अमित शुभी आप दोनों के लिए बहुत परंपरागत होते हैं और इसकी आप लोग को आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह के सवाल आपके साथ हर चौथे दिन पूछे जाएंगे कि शुरुआत कैसे हुई थी। तो मैं शुरुआत नहीं पूछूंगा बल्कि मैं ये पूछूंगा कि बचपन में ये कथक करना है और इसको 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 मतलब एक सिंसियरिटी के साथ इसमें आगे बढ़ना है, ये समझ किस उम्र में आ गई थी और फिर उसके बाद का सफर कैसा रहा? शुभी आपसे शुरू करते हैं। मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं आइडिया था कथक के बारे में। मेरी जो मदर है उनको बहुत हमेशा से था कि मुझे इसको डांस सिखाना और डांस में कथक ही सिखाना है, ये उन्होंने मतलब आई थिंक एज सून एज आई वॉज बॉर्न ये उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसको डांस सिखाना है और मुझे इसको कथक में डालना है। और ये भी उन्होंने डिसाइड कर रखा था जब से मैंने स्कूल जाना शुरू किया था कि ये कथक सीखेगी तो या तो बिरजू महाराज जी से सीखेगी या उनके बेटे से सीखेगी और कहीं नहीं जाएंगी। और बाई चांस की बात है कि मेरा जो प्रीलिम जो हमारा स्कूल होता है केजी नर्सरी, वो मेरा संगीत भारती हुआ करता था और संगीत भारती मंडी हाउस के सर्कल पे है, वहीं पे कथक केंद्र है,
बाजू में, वहीं पे भारतीय कला केंद्र है, वहीं पे गंधर्व महाविद्यालय, तो मैं घिरी हुई थी कथक के एकदम गढ़ में बचपन से। तो जब मम्मा ने पता किया एग्जैक्टली कि कथक के लिए मुझे इसको आगे बढ़ाना है और मुझे सिखाना है, तो केंद्र में जब वो आई और उन्हें पता चला कि यहाँ पे गुरुजी सिखाते हैं, मेरे गुरुजी सिखाते हैं, तो उन्होंने बोला, केंद्र वालों ने बोला कि 10+ में भी टेक एडमिशंस, उससे पहले नहीं लेते हैं। और मैं तब थी शायद 3 साल की 4 साल की, तो मेरी मम्मी ने तब तक वेट किया, उन्होंने मुझे कहीं और नहीं डाला, किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं डाला, उन्होंने कहा नींव रखी जाएगी तो कथक केंद्र में रखी जाएगी, वरना कोई बात नहीं। तो 10 साल की उम्र में आकर फिर ऑडिशन दिया मैंने, और बिल्कुल मैंने वहां पे ऑडिशन में कथक नहीं दिखाया, मैंने राजस्थानी फोक दिखाया बिल्कुल छोटी स्कर्ट्स पिगटेल्स में, एंड एडमिशन हुआ। और वहां से मेरी कथक केंद्र की जर्नी, या मेरे, मुझे जहां तक मैं बोलूं कि मेरी लाइफ की जर्नी एक्चुअली वहीं से शुरू हुई, और मेरा एडमिशन गुरुजी के पास हुआ, और 3 महीने लगभग मैंने उनसे सीखा एज अ फाउंडेशन जो कोर्स हुआ करता था फॉर द किड्स, तो मैंने 3 महीने उनसे सीखा, और उसके बाद गुरुजी का हो गया प्रमोशन एज अ सीनियर गुरु। तो उन्होंने कहा भाई नमस्ते, आप जाएं किसी और टीचर के पास। बट उन 3 महीने में मेरा इतना लगाव हो गया था गुरुजी से, बिकॉज पूरा एनवायरनमेंट ही मेरे लिए, एक 10 साल के बच्चे के लिए बड़ा ही ओवरवेलमिंग था कि गुरु क्या होता है, कथक क्या होता है, रियाज करना होता है, ये शब्द बड़े नए थे कि घुंघरू पहनने होते हैं और गुरुजी आपको घुंघरू बांध रहे हैं, वो आपको ताली देना सिखा रहे हैं ऐसे उंगली पकड़ के। इट वॉज वेरी डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर दैट आई वॉज कमिंग फ्रॉम। आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, फिर स्कूल, बहुत अलग ही इन्वायरमेंट था मेरे लिए। तो मेरे लिए मेरे गुरुजी वाज लाइक कि मेरे को बोल दिया कि यहाँ नहीं करना है, तो मतलब अब डांस खत्म, जर्नी खत्म। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई, और फिर गुरुजी ने कहा नहीं तुम हो यहीं पे हो और 2 साल रुक जाओ, 4 साल रुक जाओ, फिर मेरे पास ही आओगी। तो खैर वहां से मेरी बेसिकली कथक केंद्र की और कथक की जर्नी शुरू हुई। चल रही मेरी जर्नी जो शुरू हुई वो गाने से शुरू हुई थी, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, तो उस समय थोड़ी मैच्योरिटी आई, तब मुझे पता था कि मैं गाना गाता हूँ। तो वो शुरुआत मुझे दादाजी ने कराई थी, और हम एक साउथ दिल्ली में रहते थे, तो आरके पुरम से मुझे याद है मेरे दादा मेरे लिए हारमोनियम लेकर आए थे और मुझे ला कर दिया। वो अभी तक याद है, मतलब मैं आई थिंक शायद हूंगा 4 साल के आसपास, एक वही मेमोरी है जो मुझे उस उम्र की याद है शायद, उसके बाद की शायद मुझे याद नहीं है। तो वो मेमोरी याद है, उन्होंने मुझे गाना सिखाना शुरू किया था। फिर गाना सीखते सीखते फिर पापा ने भी मुझे उसमें कंटिन्यू किया, कि मेरा वॉइस, दादाजी कहते थे कि बहुत अच्छा है, टोन अच्छा है एंड सुर की समझ है, गा सकता है। तो वहां से गाने की शुरुआत हुई, गाना गाते गाते फिर फादर काम करते थे भारतीय कला केंद्र में, तो एक म्यूजिकल पूरी फैमिली तो पहले से ही थी, पता था कि सब लोग इसी फील्ड से है, हम प्रोग्राम देखने भी जाते थे उसी उम्र में, हमें पता था कि कला क्या, आर्टिस्ट किस तरीके से स्टेज पे काम करता है, ऑडियंस क्या होती है, स्टेज के ऊपर जाने के बाद में कैसा माहौल होता है। तो वो एक नॉलेज शुरू से एक हमें फीड की जा रही थी बचपन से ही। फिर पापा ने मुझे कहा कि इसकी लय अच्छी है और सुर की समझ अच्छी है, तो ये नाच भी सकता है। तो मुझे वहां से फिर डांस भी सिखाना शुरू किया पापा ने, भाई तत्कार शुरू की, फुटवर्क शुरू करवाया, बड़ी बड़ी लंबी लंबी लड़ियां सिखानी शुरू करी। एक ही लड़ी स्टार्ट करता था तो वो 10-15 मिनट तक कंटिन्यू चलती थी, वो इतने इतने पलटों की लड़ियां पापा ने सिखाई मुझे, उठाने सिखाई, ऑफ से ऐसे होगी, सम से ऐसे होंगी। और उसी समय से मतलब मुझे जो एक कहते हैं कि लय का एक अच्छा वाला ज्ञान देना शुरू कर दिया था कि हाँ ऑफ बीट इस तरीके से होता है और बीट इस तरीके से होता है। पहले तो बच्चे को पता ही नहीं चलता कि बीट कैसे जाएगा, बट आई थिंक मेरे साथ ये प्रॉब्लम था नहीं, आई थिंक मे बी शायद फैमिली की वजह से या किसी उस माहौल की वजह से, कि मुझे लय की समझ शुरू से अच्छी खासी थी, कि मैं समझता था कि हाँ गाना इस बीट में है और
नाचना इस बीट में। तो नाच सीखते सीखते फिर पापा ने एजुकेशन पे भी बड़ा जोर रखा, क्योंकि पहले लोग एजुकेशन पे नहीं देते थे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस, लेकिन मेरे फादर चाहते थे कि मैं, हम तीन भाई हैं, हम तीनों पहले एजुकेशन भी कंप्लीट करें लेकिन साथ साथ ये डांस भी सीखें, गाना भी सीखें, तबला भी सीखें। तो ये सारी चीजें घर के अंदर हम सीखते भी थे और स्कूल भी जाते थे। बट आफ्टर 12th जब मैंने अपना 12वीं पार कर लिया, देन पापा ने कहा कि नाउ आइदर आई विल सेंड यू टू द एकेडमिक एजुकेशन, या फिर मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम कथक केंद्र जाओ, क्योंकि मेरे फादर भी कथक केंद्र जाना चाहते थे बट वो सिचुएशंस ऐसी नहीं थी कि वो उस समय पे जा पाते, उन्होंने वर्किंग शुरू कर दिया था जल्दी ही। तो उन्होंने फिर हमें गुरुजी के पास में इंट्रोड्यूस करवाया, पापा ने ले जाकर के, ये मेरे बच्चे हैं और मैं चाहता हूँ कि आपसे सीखे। तो फिर गुरुजी ने कहा कि थोड़ा करके दिखाओ क्या करते। तो मैं थोड़ा सा डांस वांस किया, उस समय तक फुटवर्क अच्छा तैयार था, अंग तैयार नहीं था बहुत ज्यादा, क्योंकि अंग की समझ नहीं थी मुझे ज्यादा। मैं नाचता था, हाथ किधर जा रहा है सोच के नहीं जाता था कि हाथ को किधर, ये इतना एंगल जाएगा या इतना जाएगा, फेंकता था कुछ भी। और हाथ पैर अच्छा था, पैर तैयार था मैं। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा कर रहे हैं तो इसे भेज दो मेरे पास। तो वहां से मैंने कुछ 3-4 महीने गुरुजी के पास में सीखा, फिर उसके बाद में कथक केंद्र में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद में फिर वो 5 साल का पूरा एक कोर्स किया गुरुजी के पास में, और उसी जर्नी के अंदर फिर मुझे पता चला कि दिस इज नॉट, मेरे हिसाब से एक, मतलब मुझे यूं लगता था कि हाँ मुझे ये काम करना है, ये प्रोफेशनली मेरे को इसी में जाना है, लेकिन इतना स्ट्रांगली आगे बढ़ पाऊंगा ये समझ नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे सीखते 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 कथक केंद्र के अंदर ही रहते रहते इतने प्रोग्राम्स किए, गुरुजी ने इतने चांस दिए, इतनी जगह पे नचाया, और गुरुओं के साथ में नाचे, महाराज जी के साथ में भी नाचे, और उनकी कोरियोग्राफीज के अंदर इतना किया, गुमुदनी दीदी के साथ में किया। मतलब कथक केंद्र में जाने के बाद में हमें पता चला कि इसका दायरा बहुत बड़ा है, मतलब छोटा दायरा नहीं है। तो वहां से एक समझ खुल गई थी कि वी कैन, हम इसके अंदर किसी भी दायरे तक जा सकते हैं, इसमें कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है, बस दायरे में रहकर दायरा पार करना, वो वाली समझ आ गई थी। जो तो ये इस तरीके से समझ गए। जो हमारे सब्सक्राइबर्स दिल्ली के बाहर के हैं और भारत के बाहर के हैं, उनको बहुत ब्रीफली अगर मैं बताना चाहूं कि कथक केंद्र मतलब एक कथक कलाकार के लिए किसी मंदिर से कम नहीं है, और मंडी हाउस में हुआ करता था, जहां पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है जिसके तमाम कलाकार भारत में अपना नाम कर रहे हैं, उसी कैंपस में होता था। अब वो कुछ सालों से शिफ्ट हो गया है चाणक्यपुरी। खैर ये मुझे लगा कि बताना चाहिए। अमित कोई एक डांस की अपने क्लिप भी दिखाइए, पहले उस क्लिप के बारे में बताइए हमें कि आप क्या दिखा रहे हैं और उसके बाद उस क्लिप को हम दिखाते हैं। ये क्लिप जो हम दिखा रहे हैं ये हमारा पहला प्रोडक्शन है जिसका नाम समानता डांस कंपनी ने समानता के तरफ से ही किया था, नाम ही समानता रखा था इसकी। पहले तो इसको दिखाने से पहले इसकी नींव के बारे में बताना चाहेंगे कि हम दोनों 2010 में पास आउट हुए, उसके बाद में अदिति दीदी को ज्वाइन किया। अदिति दीदी दृष्टिकोण डांस फाउंडेशन, उसके अंदर भी इतना सीखा है कि वो एक अलग जर्नी है। हाँ वो एक अलग पुस्तक है, उसमें तो बहुत अलग ही एक लेवल से हमने चीजों को देखा और सीखा कि इस तरीके से भी काम हो सकता है कथक के अंदर। तो वहां से फिर हम दोनों दृष्टिकोण में मिले तो पहले भी थे, लेकिन जान पहचान दृष्टिकोण के अंदर ज्यादा हुई, क्योंकि एज एन कंपटीटर की जगह हम एक को डांसर्स हो गए, हम साथ में ग्रुप में डांस करने लगे। तो हमें फिर पता लगा कि वी कैन डू समथिंग, और हम हमेशा बात करते थे लखनऊ घराना, जयपुर घराना, लखनऊ में ये है, जयपुर में ये है, जयपुर के अंदर पुरानी बातें हैं, अब ये सब पुरानी बातें रह गई, आज ऐसी कोई भी चीज नहीं है। पुरानी बातें ये हैं कि भाई पहले कहा जाता था जयपुर के अंदर तेजी है, फुटवर्क है, और लखनऊ के अंदर भाव है, श्रृंगार है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप लखनऊ घराने के अदिति दीदी को अगर आप देखेंगे तो अदिति दीदी ने देखा सीखा दोनों ही घराने हैं, उन्होंने भी कुमुदनी दीदी से सीखा है, उन्होंने जयपुर सीखा हुआ है, तो तेजी है, लेकिन उनके जितनी भी बंदिशें हैं, जितने भी
वो नाचती हैं, मैक्सिमम वो लखनऊ घराने की बंदिशें नाचती है। लैंग्वेज का फर्क है, जैसे भारत के अंदर हर प्रांत के बाद में भाषा का थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, वैसे ही कथक के अंदर भी भाषा का बदलाव है। लखनऊ के अंदर कुछ बंदिशों का ऐसा है कि वो जयपुर में नहीं है, और जयपुर में कुछ बंदिशें ऐसी है जो लखनऊ में नहीं है। तो खासियत है हर किसी की अपनी, लेकिन नाच का अंग वही है। हम जयपुर लखनऊ ये लेता है और जयपुर उसको सटल तरीके से लेता है। बैंड जयपुर भी लेता है, लखनऊ भी लेता है, फुटवर्क जयपुर भी करता है, फुटवर्क लखनऊ भी करता है। तो सब अलग अलग बातें पहले करते थे, लेकिन हम जब मिले तो हम दोनों ने एक चीज पे बात की कि सिमिलैरिटीज क्या है हमारे। अल्टीमेट मोटिव था कथक करने का और साथ में करने का। तो वहीं से ये हुआ कि बहुत अच्छी बात अमित ने बोली कि भिन्नता की बात सब कर रहे हैं, हम थोड़ा समानता की बात करते हैं, और वहां से उस शब्द की नींव पड़ी। ऐसा कभी नहीं हमने सोचा था कि हम उसको ऐसा कंपनी इस्टैब्लिश करेंगे, उसको रजिस्टर करेंगे, प्रोडक्शन बनाएंगे, कुछ ऐसी थॉट नहीं थी, क्योंकि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे थे, दृष्टिकोण में हम साथ में रियाज करते थे। तो रियाज के लिए हमने बोला कि चलो साथ में कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, और वो क्रिएशन आगे बढ़ती चली गई बाय गॉड्स ग्रेस, बाय आर मेंटर्स, स्पेशली हमारे गुरुज ने हमें बहुत सपोर्ट किया इस कॉन्सेप्ट को लेके, जबकि ये बहुत विपरीत स्थिति में ये सब बन रहा था। और फिर फाइनली हमने 2013 में समानता का प्रोडक्शन किया जी, और गुरुओं ने हमें हमेशा यही प्रोत्साहित ही किया, हम वी आर वेरी लकी कि हमें ऐसे गुरु मिले। अदरवाइज गुरुओं के हाथ में हमेशा शिष्य की डोर होती है, अगर वो चाहे तो उसे खींच ले, अगर वो चाहे तो उसे पूरा फ्रीडम दे के जाओ जहां तक जा सकते हो। तो उन्होंने हमें फ्रीडम दिया हमेशा, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि ये क्या कर रहे हो, ये तो बिल्कुल ही अलग बात करने वाले हो तुम। तो उन्होंने हमें ये कहा कि जो भी कर रहे हो, हाँ ध्यान हमेशा रखना जरूर, लेकिन काम अच्छा करना। Thank you.
तो हम इस क्लिप के पहले बात कर रहे थे कि गुरुओं पर बात करेंगे और मैं वहां आने भी वाला था। अमित, आप जानते हैं राजेंद्र जी से मेरे भी बहुत अच्छे संबंध हैं, वो मेरे भाई की तरह है, मुझे बहुत स्नेह करते हैं, और एक गुरु के तौर पर मैंने उनके तमाम शिष्यों से समय समय पर बात की है। मैं फिर एक आप लोगों को दुविधा में डालने जा रहा हूं कि मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं कि राजेंद्र जी के बारे में बताएं, मैं शुभि से पूछूंगा और शुभि आपसे पूछूंगा ताकि पता चले कि कुछ जासूसी हम लोग भी तो कर लें, वरना तो सब नहीं जाएगा। तो शुभि आप बताइए, राजेंद्र जी को एक इंसान के तौर पर, एक गुरु के तौर पर मैं भी बहुत सालों से जानता हूँ, एक कलाकार के तौर पर जानता हूँ, आप उन्हें कैसे देखती हैं एक गुरु के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर? मैं सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलूंगी इस क्वेश्चन पे, कभी किसी ने मुझसे बात ही नहीं करी और जबकि मेरे पास इतनी मेमोरीज हैं पिछले 20 साल की, कभी मुझसे किसी ने पूछा नहीं, तो थैंक यू सबसे पहले आपको। मैं गुरुजी को अगेन तब से जानती हूँ जब से मैं अपने गुरुजी को जानती हूँ, मतलब कि 10 साल की उम्र से, जब मैं पहली बार कथक केंद्र में मैंने कदम रखा था रेड स्कर्ट और येलो टॉप में। तो मेरा जो ऑडिशन था, ऑडिशन में जनरली सारे कथक केंद्र के सभी गुरु साथ में बैठते हैं एग्जाम्स में, ऑडिशंस में, तो सब लोग ऐसे सेमी सर्कल में, मुझे याद है सब लोग बैठे हुए थे कथक केंद्र के फर्स्ट फ्लोर में, जो बाद में जाके मेरी क्लास बन गई, वहां पे सब लोग बैठे हुए थे, और मुझे सिर्फ एक्चुअली मुझे तीन लोग याद है वहां पे जो मेरी मेमोरी में है। वो तीन लोग में एक तो मेरे गुरुजी, बिकॉज उनकी पर्सनालिटी ऐसी है एकदम टीका और फिर पान और पूरा, तो वो मुझे याद है। मुझे दूसरे गुरुजी जो याद है वो है मुन्ना शुक्ला जी, बिकॉज अगेन मुन्ना शुक्ला जी की पर्सनालिटी, वो यू नो वाइट हेयर एंड टीका एंड ऑल। और तीसरे गुरुजी जो मुझे याद है, जो मुझे बहुत स्वीट लगे थे, राजेंद्र गंगानी जी। तो उस टाइम तो मुझे पता नहीं था कौन क्या है, मैं तो इमेच्योर बच्चे की तरह मैं गई, सो दैट वाज माय फर्स्ट इंस्टेंस, माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ हिम। उसके बाद जब मेरा एडमिशन हो गया, छोटी थी और फाउंडेशन कोर्स में तो वैसे भी बच्चे हैं, हॉबी के लिए आ रहे हैं, कथक केंद्र में सीख रहे हैं, वो सारा मेरा उनसे इतना इंटरेक्शन कभी नहीं था। जब एग्जाम्स होते थे तब गुरुजी से मतलब फेस टू फेस वो मिलना होता था, और वो देखते थे कि अच्छा बच्चा कैसा कर रहा है, और वो बिकॉज ही इज एग्जामिनर, तो बहुत बार उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा करती हो और छोड़ना नहीं कभी, बस इतना बोल के मुझे बाहर भेज देते थे। तो तब तो इतनी समझ नहीं थी कि बोल रहे हैं, हाँ खुश हो गई, एग्जाम बहुत अच्छा हुआ करके। जब ऑनर्स का जब ऑनर्स में एडमिशन लेते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव एन ऑडिशन, इंटरव्यू होता है, वो मैं इंटरव्यू में अंदर गई और उन्होंने देखा 5-10 मिनट डांस, उन्होंने कहा डांस तो मुझे तुम्हारा पता है, तुम कैसा करती हो, इतने समय से तुम्हें देख रहे हैं, पर तुम क्यों एडमिशन लेना चाहती हो ये मुझे जानना है, तुम क्यों ऑनर्स करना चाहती हो। और तब मैं बाय चांस क्लास 10th में थी, तो मेरी एडुकेशन भी एकदम पीक उस पे चल रही थी, तो कैसे मैनेज करूंगी, क्या करूंगी। तो अगेन एज एन इमेच्योर किड मैं तो बस ये बोल के आ गई, मैंने कहा मैं कर लूंगी गुरुजी, मुझे मैं अच्छे से करूंगी, मैं मेहनत करके कर लूंगी, आप मुझे एक बार डाल के देखिए, आप मुझे एक बार एनरोल कर लीजिए। फिर बाहर आके उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि, जो मुझे आज तक बात याद है और मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ उस बात के लिए, उन्होंने कहा कि ये लड़की, इसको आप मुझे दे दीजिए, ये मेरे पास आ जाओ, क्योंकि ऑनर्स में यू ऑब्वियसली हैव टू चूज कि अब आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं अपने कला को लेके, किस घराने में आप फाइनली जाना चाहते हैं। तो उन्होंने मम्मा को बोला कि इसे मुझे दे दीजिए, तो खैर वो हुआ नहीं, बिकॉज मेरा तो खैर गुरुजी से, अपने गुरुजी से पुराना वो था, बट वो मेरी एक सबसे बड़ी मेमोरी है गुरुजी के साथ। और तब से तो फिर उसके बाद गुरुजी ने इवन जब मैं पास आउट भी हुई और जब अपनी प्रोफेशनल जर्नी को मैं आगे लेके चलना चाह रही थी, तो गुरुजी से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला। ऑल्दो मैं उनकी कभी शागिर्द नहीं थी, पर हमेशा उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छा करती हो, तुम आगे कर सकती हो, करो करो करो, अच्छी बात है। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया एज एन आउटसाइडर, एज अ पर्सन हु इज नेवर लर्न फ्रॉम हिम, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि वो मुझे बार बार मोटिवेट करते थे, बार बार प्रोग्राम्स आ रहे हैं, या इनफैक्ट इवन वो एज अ चीफ गेस्ट किसी प्रोग्राम में आ रहे हैं, और अगर
मैं वहां पे परफॉर्म कर रही हूँ तो वो हमेशा स्पेशली आके कि बहुत अच्छा किया तुमने, उनका जो वो एक ऑरा जो अब आज भी मुझे बहुत एक्साइट करता है एक्चुअली। मैं उनके पास अगर मैं उनसे मिलने भी जाती हूँ तो सिर्फ इस वजह से जाती हूँ कि बहुत मोटिवेशन और पॉजिटिव एनर्जी जो मुझे मिलती है, आई एम श्योर कि उनके शागिर्द होके तो फिर पता नहीं क्या ही मिलता। तो और प्लस जब हमने सबसे नेक्स्ट मेरा जो उनके साथ बहुत इम्पोर्टेंट रहा, जब हमने फर्स्ट टाइम डू इट करने का सोचा और उन्होंने देखा, गुरुजी ने देखा कि अच्छा ये बनाया है तुम लोगों ने, तो बहुत ही छोटा सा एक लाइक इतना सा पूरा खत्म होने के बाद डमरू हरकर जब हम उन्हें दिखाने गए, पूरा देखने के बाद सिर्फ एक लास्ट में कि हम तुम सिर्फ सम पे एंड करो, सम पे एंड मत करो, इसको ऐसे एंड करो, और वो जो इन्फिनिट की तरफ वो जो खत्म हुआ वो मतलब आज भी वी एक्चुअली डू दैट, हमने उसको बिल्कुल छेड़ा नहीं, चेंज नहीं किया, वो एक सेकंड का इतना सा वो पोज जो उन्होंने दिया, वो आई थिंक अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं जब वो बता रहे थे वहां कथा केंद्र में बैठ के रेपेट्री हॉल में। तो आई थिंक आई ऑल्सो हैव अ डिफरेंट कनेक्शन विद हिम, तो आई हैव नो वर्ड्स एक्चुअली। मुझे बहुत आई एम जस्ट फील वेरी फॉर्चुनेट कि वो मुझे जानते हैं और वो जब यहाँ पे भी आए, जब ये स्टूडियो बना और वो आके यहाँ पे सिर्फ बैठे और सिर्फ चारों ओर देखा और उन्होंने कहा बहुत अच्छा, बहुत आगे, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो बस यही आशीर्वाद है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, lot of memories. तो अब इस दुविधा में मैं हूं जैसा कि मैंने बताया कि उनके साथ मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज है, बहुत क्योंकि उन्होंने उन्होंने मुझे काम बहुत करवाया है अपने साथ। एंड व्हेन आप किसी की कोरियोग्राफी में डांस करते हो तो आप बहुत सीखते हो, उसके अंदर आपका सीखना बहुत होता है कथक केंद्र के अंदर सबसे ज्यादा, क्योंकि आप अलग अलग तरीके से सीखते हो, बहुत सारे एक रास्ता नहीं होता है सीखने का, एक ही महल के अंदर इतने सारे कमरे हैं, उसमें हर जगह कहीं ना कहीं सीखने को है, और अगर आप इवन कैंटीन में भी बैठे हो तो वहां पे भी सीखना होता है, वहां पे भी जो बातें हैं वो सीखने की है। तो चीकू गुरुजी के साथ में जो मेरा इंटरेक्शन रहा है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि पहला ही बहुत अच्छा रहा और उसके बाद में फिर उनके साथ एक कनेक्शन तो बन ही गया था। एंड उनका बताने का तरीका, समझाने का तरीका कि ये मूवमेंट ऐसे करना है, इस मूवमेंट को ऐसे करना है, और जब मैं एकदम रॉ गया था उस रॉ के अंदर तो मतलब हम एक बेसिक्स में ही करते हैं, क्रिएटिंग करने की कोई वो नहीं होती है समझ, तो उस समय के अंदर उनके साथ रहना इतना इंपॉर्टेंट रहा कि उन्होंने कहीं ना कहीं उस दिमाग के अंदर ऐसी ऐसी चीजें भी डाली कि अगर आप ऐसे हो तो ये चीज ऐसे भी हो सकती है, जैसे आपको पता है कि मैं इस रास्ते से जा सकता हूं तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इस रास्ते भी पहुंचोगे और मे भी शायद हो सकता है कि थोड़ा और खूबसूरती से पहुंचोगे, तो उनके पास जाकर वो एक खूबसूरती का भी एहसास हुआ मुझे कि किस तरीके से सिखाया जाता है, बताया जाता है और डिजाइन किया जाता है चीजों को। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं तो मुझे शायद उनकी कोरियोग्राफीज में ही दिखाई समझ में आया था कि हाँ इस तरीके से डिजाइन करना है, इस तरीके से म्यूजिक करना है ऐसे, क्योंकि वो हर चीज पे बड़ा पर्टिकुलर काम करते हैं। जैसे डांसर हो गया तो डांसर पे काम करेंगे, म्यूजिशियंस होंगे तो म्यूजिशियंस पे काम करेंगे, इस तरीके से ये करो, सितार के अंदर अगर डांसर अगर पूरा कोई बंदिश जा रहा है तो बंदिश सितार में निकलवा देते हैं कि ये बंदिश सितार में बजानी हो, तो म्यूजिशियंस से भी कैसे काम लेना है, क्या क्या करना है, तो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो हर किसी से कुछ ना कुछ करवाने का एक उनका अच्छा एक हुनर है उनके अंदर इस तरीके का, वो सीखने वाला है, उनसे मैंने ये सब चीजें सीखी है। प्लस उनका एक प्यार तो हमेशा से रहा ही है, अभी तक है, और जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो सबसे पहले हमारे ये दो जो स्तंभ है जिनके ऊपर टिका हुआ है सब कुछ,
ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं, ये कभी भी हमें ऐसे छोड़ते नहीं है कि चलो जाओ कर लो कोई बात नहीं, तो छोड़ते भी है बट इन्हें हमें पता है कि इन्होंने पकड़ रखा है, अगर हम कहीं जा भी रहे हैं तो वी विल बी फाइन, हमें पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, तो वो एक सपोर्ट तो हमेशा से रहा है। और काफी और भी मेमोरीज हैं, वो मेमोरीज फिर हम अकेले में बात करेंगे। कोई एक और डांस क्लिप आप हमें दिखाने वाले थे अमित, उसके बारे में बताइए या शुभी आप बताइए और फिर वो क्लिप भी देखते हैं। जो दूसरा प्रोडक्शन हमने किया एक्चुअली काफी टाइम ले लिया था, क्योंकि हमने एक प्रोडक्शन किया उसके बाद में हमारा खुद का एक मोटिव ऐसा था कि हमें नेशनली परफॉर्म करना है, क्योंकि जहां जाएंगे तभी थोड़ा सा क्या है जर्नी बढ़ पाएगी आगे, एक ही जगह पर रहकर काम करना और अलग अलग फेस्टिवल्स में जाकर काम करना, लोगों से जुड़ना, ये चीजें हमने शुरुआत करी थी इस प्रोडक्शन के बाद में ही, मतलब पहले भी कर दी थी लेकिन इसके बाद में थोड़ा और एनर्जी बढ़ गई थी कि हमारे पास कुछ है ऐसा जिसे हम लेके ट्रेवल कर सकते हैं, तो फिर हमने ट्रेवल करना शुरू कर दिया। देन आफ्टर 3 इयर्स 2013 के बाद में 2016 में हमने सोचा कि हमने डुएट तो बना लिया, इस बार हम ग्रुप के साथ में कुछ करते, तो हमने प्रोडक्शन भी बनाया, उसके अंदर हमारा एक डुएट पोर्शन है जिसको हमने बांसुरी का नाम दिया था, कि इसकी भी एक स्टोरी है जो हमने सोची आपस में कि कृष्ण की सखी, कृष्ण की सखी, ये आइडिया भी एक्चुअली मेरे पास कहां से आया था, चिकू गुरु जी से ही आया था ये, क्योंकि उन्होंने बांसुरी के ऊपर एक पीस बनाया हुआ है, तो वहां से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था, मैं नहीं कहूंगा कि मैंने सोचा ही, तो लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण की सखी, गोपियां कृष्ण की सखी, लेकिन सर्वप्रिय सखी कौन है कृष्ण की, वो एक ही है जिसको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, वो है बांसुरी, तो उस थॉट के ऊपर हम दोनों ने एक पीस बनाया बांसुरी, तो कृष्ण और बांसुरी का जो रिलेशन है उसको दर्शाया उस पीस के अंदर, उसके बारे में शुभी आपको थोड़ा और अच्छे से बता पाएगी कि उसको हमने लिखा भी खुद ही, उसका म्यूजिक भी खुद ही किया, पापा ने दादाजी ने जो गाने का हुनर दिया उससे म्यूजिक भी बनाना आया, कथक केंद्र में रह के भी थोड़ा सा म्यूजिक और समझ में आया, तो म्यूजिक भी हम खुद करते हैं, कोरियोग्राफी भी खुद करते हैं, कॉन्सर्ट भी खुद करते हैं, तो और प्रोड्यूस भी खुद करते हैं अभी फिलहाल, सो फाइंडिंग अदर पीपल ऑल्सो के प्रोड्यूस भी करें, तो हमारा जो नेक्स्ट क्लिप है वो बांसुरी के ऊपर है, वो हमारा डुएट पीस है, आद्यांत का एक पीस है बांसुरी।
चलिए, तो हमने बांसुरी भी देख लिया और उससे पहले समानता भी देख लिया। एक आखिरी सवाल आप दोनों लोगों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि आप दोनों लोग कई बार इस इंटरव्यू में कह चुके हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन आप लोगों ने एक भाग्यशाली होने की बात नहीं की, और वो ये कि आपको पूरी दुनिया में जिनको कथक के पर्याय के तौर पर देखा जाता है, पंडित बिरजू महाराज जी को, उन्होंने भी आपके नृत्य को देखा है, आप लोगों ने साथ में काम किया है, आप लोग को उनका आशीर्वाद मिला है। अब छोटी छोटी एक एक यादें उनके बारे में कि उन्होंने किस दिन ऐसा पीठ पे आके हाथ रख के कहा कि हाँ आज अच्छा किया या अब अच्छा कर रहे हो। शुभी, आपसे शुरू करते हैं। जी, मेरे पास दो यादें हैं उनके साथ की। सबसे पहले मैंने महाराज जी को देखा था व्हेन आई वाज 11 इयर्स ओल्ड। तब उनकी एक शागिर्द हैं जो एक प्रोडक्शन कर रही थी कृष्ण के ऊपर, तो कृष्ण के अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ वो दिखा रही थी और आई वाज अ लिटिल पार्ट ऑफ इट। जो उनका एडोलेसेंस वाला जो एज था उसमें मैं परफॉर्म कर रही थी, छोटी थी, 11 साल की थी, तो मैं परफॉर्म कर रही थी। तो जो रिहर्सल जब हो रही थी तो एक दिन ऐसा आया, उन्होंने कहा कि मुझे महाराज जी को दिखानी है रिहर्सल। और बाय चांस उस दिन महाराज जी अवेलेबल नहीं थे और वो नहीं आए देखने के लिए। और ऐसा था कि महाराज जी शाहजहा रोड पे रहते थे। रिहर्सल से वापस आते वक्त जो दीदी है उन्होंने बोला कि मुझे एक मिनट, महाराज जी यहाँ पर है, मुझे बस एक मिनट उनसे बात करनी है, मैं उनसे बस ये बता दूंगी कि ऐसे ऐसे है और फिर हम चलेंगे। सो आई वॉज विद हर ओनली, शी वॉज ड्रॉपिंग मी होम। तो कि मुझे नहीं पता था महाराज जी कौन, कभी देखा नहीं क्या, बस नाम सुना था महाराज जी, बस इतना ही। तो मैं उनके घर पहली बार तब गई और मैंने सबसे पहले उन गुरु माँ को देखा, उनकी वाइफ को देखा, और मैं उनको देख के एकदम सरप्राइज, मुझे ऐसा लगा मेरे गुरु जी बैठे हैं। तो घर आके भी मैं बहुत एक्साइटेड होके बस ऐसे बोल रही थी मम्मी को कि बस मम्मी गुरु जी को बस बिंदी लगा दो, पल्लू लगा दो, ऐसा लग रहा था वो बैठे हैं। तो सबसे पहली मेरी मेमोरी घर में जाके उनको मैंने देखा। एंड फिर अंदर जब गए तो आंगन पार करके और अंदर रूम में महाराज जी बैठे थे। दैट वॉज माई फर्स्ट मोमेंट जब मैंने उन्हें देखा। और एज यूजल जो कि सब लोग आपको बोलेंगे महाराज जी के बारे में, उनकी बस गिनती चल रही थी और वो कुछ बोल रहे थे एंड ही वॉज जस्ट सिटिंग। That is my first memory of him. दूसरी जो मुझे memory है उनकी, वो बहुत again भाग्यशाली हूँ मैं कि उनका एक festival हुआ करता था कुछ time तक, जो अभी बंद हो गया है, साधना festival. साधना festival सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए वो organize करते थे, कलाश्रम वाले, जो कि 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो इसको अच्छे से करना चाह रहे हैं या कर पा रहे हैं। तो गुरुजी के पास, क्योंकि मैं तब थी, मैं सीख रही थी उनसे, तो गुरुजी ने मुझे वो मौका दिया एक बार परफॉर्म करने का। और साधना फेस्टिवल में सोलो किया मैंने और वो महाराज जी ने पूरा सामने बैठ के देखा। मैं बहुत इमेच्योर थी, मुझे ये भी नहीं पता मैंने डांस कैसा किया, पर उन्होंने मेरा नाच देखा, उन्होंने आके आशीर्वाद दिया स्टेज पे और बोला बहुत अच्छा करती हो, बहुत आगे लेके जाओगी। बस मेरे लिए यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी और आज शायद मैं जो भी कर पा रही हूँ शायद की वजह से ही कर पा रही हूँ कि मैं उस चीज को आगे लेके चल पा रही हूँ। अमित, आप भी शेयर कीजिए। मेरी मेमोरी है उनके साथ, हम उनका जो कलाश्रम जो था वह वहां था जोरबाग की तरफ स्कूल के अंदर, तो वहां पे हम लोग रिहर्सल के लिए गए थे। उनका एक पीस बन रहा था, आई थिंक शतरंज के ऊपर था, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे चीजें बनाई हुई हैं कि शतरंज के ऊपर है, और एक एक बैले भी हमने किया था जिसके अंदर कुछ खंजर से मतलब कोई एक बीच के अंदर एक ऐसा है जो खंजर लेके आता है और सभी के सब डांसर्स हैं, उन डांसर्स के बीच में एक कोई है जो मैं मेरी मेमोरी से, क्योंकि मैं उसमें डांसर था तो मैं वहां राउंड चक्कर ले रहा था, वहां पे चक्कर मेरे, मुझे ये याद है कि हाँ मैं चक्कर ले रहा हूँ, और बीच में एक वो कुछ ऐसा पीस था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मेरी फर्स्ट मेमोरी वहां से है कि हम वहां रिहर्सल के लिए गए और उन्होंने देखा कि हमें वहां, मुझे वहां पे लेके गए थे चीकू गुरु जी के स्टूडेंट है संजीव भैया, वो मुझे लेके, उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी बातचीत थी, तो वो क्योंकि चीकू गुरु जी की कोरियोग्राफी में डांस करते थे तो हम साथ में डुएट करते थे या फिर ग्रुप के अंदर हम दो लड़के होते थे, तो उन्होंने महाराज जी का प्रोग्राम हुआ तो मुझे वहां पे भी वही लेके गए।
तो मैं पहले पहले गया वहां पे, जाके जैसे ही नाचना शुरू किया तो मुझे ऐसे, अब वो एकदम बैठे हुए सामने और ऐसे देख रहे थे बस। अब देखते देखते फिर अचानक से कहा, अम्मा कौन हो बेटा? तो ऐसे करके उन्होंने जैसे ही बोला, तो मैं तो उस समय, अब बोलू क्या मैं, ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि भाई ये अरे राजू के स्टूडेंट हो? मैंने कहा हाँ हाँ महाराज जी वहीं से हूँ। अरे फिर तो मुझे पता है कैसा नाचोगे, चलो इसको तो इसको यहाँ लेकर आओ, इसको आगे लेकर आओ, यहाँ करो, तुम दोनों आगे आ जाओ। फिर उसके बाद में उन्होंने एक ऐसी बंदिश बनाई जिसके अंदर वाकई मुझे लगा कि हाँ ये मेरे जॉनर का उन्होंने कुछ बना कर दिया। तो उन्हें पता है कि किससे कैसा काम लेना है। और फिर वो लगाया, फिर उस तोड़े को लगाने के बाद में उन्होंने कहा, ये बात बेटा शाबाश, ऐसे ही रियाज करते रहना। तो वो एक मेरी पहली मेमोरी थी। तो वहां से एक मुझे बूस्ट सा मिल गया था कि यहां से अगर कुछ आया तो इट मींस शायद मैं अगर मेहनत करूंगा तो कुछ हो जाएगा। तो वो एक फर्स्ट मेरा इंप्रेशन रहा उनके साथ में। बात बाकी फिर उसके बाद में उनके साथ में कई बारी मुलाकात हुई, पैर छुए, आशीर्वाद वो हमेशा देते हैं, और आशीर्वाद देकर हमेशा कहते हैं, अम्मा डांस कैसा चल रहा है? तो वो वैसा वाला उठकर, तो फिर मैंने कहा नहीं बिल्कुल अच्छा चल रहा है। अभी रागिनी और विशाल सोल आए थे, मैं कोरिया में था 3.5 साल टीचिंग के लिए, तो वो दोनों आए हुए थे। तो रागिनी ने फोन किया हुआ था तो मैं वही था। तो जैसे ही फोन किया ना, तो मैंने पीछे से ऐसे फेस ऐसे करके महाराज जी को देखा, और मैंने कहा पाए लागे महाराज जी, अब तुम यहाँ क्या कर तो मैंने कहा मैं तो यही हूँ। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा तुम यहाँ काम कर रहे हो? मैंने कहा हाँ हाँ यही काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा, खूब ऐसे ही काम करो, खूब तरक्की करो, और अच्छा अच्छा नाचो, खूब बढ़िया काम करो। तो वो उनके साथ से ब्लेसिंग्स तो आती रहती है हमेशा, और चाहते हैं कि उनके पास से ब्लेसिंग्स मिलती रहे हमेशा। पहले तो उनकी ब्लेसिंग्स में हमारे जो रागगिरी के सब्सक्राइबर्स हैं उनकी तरफ से भी ब्लेसिंग्स हम ऐड कर देते हैं कि आप लोग यूं ही खूब खूब अच्छा अच्छा डांस करते रहें, थोड़ी बहुत जासूसी भी एक दूसरे की अब भी किया करें ताकि कुछ और भी चीजें पता चलती वो रहें। हम करते रहते, वो इंसान छोड़ेगा नहीं कभी भी। महाराज जी तो कहते हैं, क्योंकि मैं भी खुद को थोड़ा बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि जितने गुरुओं की बात हुई इस इंटरव्यू में या वैसे भी कलाकारों में जितनी जब भी बात करता हूँ लोगों से थोड़ा बहुत स्नेह मुझे भी मिला है। महाराज जी तो हमेशा कहते भी हैं कि वो अभी भी अपने आप को एक शिष्य मानते हैं, वो अपने को गुरु नहीं मानते, क्योंकि कोई भी चीज पहले वो सीखते हैं और फिर सिखाते हैं। तो चूंकि वो पहले सीखते हैं इसलिए वो अपने आप को शिष्य ही मानते हैं। यही उनकी सहजता भी है, यही उनकी महानता भी है। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने समय निकाला बातचीत करने के लिए। जब वही जैसे मैंने कहा कि उस उन उन बड़े गुरुओं के आशीर्वाद में रागगिरी के सब्सक्राइबर्स का और रागगिरी का भी आशीर्वाद जोड़ लीजिए, शामिल कर लीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत। और ये बातचीत मुझे नहीं लगता कि कभी खत्म होने वाली है, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया रहा आपके साथ बात करके, और आप से मुलाकात करेंगे बहुत जल्द, और फिर बिल्कुल आपसे आपकी भी सुनेंगे और आप कुछ अपनी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।